ऑर्डर 21 पे, ठीक है दोस्तों। आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे ऑर्डर 21 के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को, ठीक है। और ये आज लेक्चर का पार्ट फर्स्ट है, और बाकी बचे ऑर्डर 21 के रूल्स को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मेरा डेली लेक्चर मिल सके। अगर आपको कोई समस्या है लॉस रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलिए आते हैं आज के लेक्चर पे। तो सबसे पहले आज का जो पहला रूल है ऑर्डर 21 का, तो सबसे पहले ये समझिए कि ऑर्डर 21 जो है इसका प्रोविजन किससे रिलेटेड है। इस ऑर्डर 21 का जो संबंध है वह है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीड ऑर्डर से, ठीक है। तो सबसे पहला ऑर्डर 21 के जो सबसे पहला जो रूल है वो है रूल वन और रूल टू दोनों एक साथ पढ़ते हैं दोस्तों। रूल वन क्या कहता है, मोड ऑफ पेइंग मनी अंडर डिक्री। दैट मीन्स अगर मान लीजिए ए डिक्री होल्डर है और बी जजमेंट डेटर है, ठीक है। तो यहां पे डिक्री जो पास हुआ है के फेवर में, और जो डिक्री पास हुआ है के फेवर में वो डिक्री चाहता है ए एग्जीक्यूट करना, ठीक है। तो वो डिक्री जो एग्जीक्यूट होगा बी के अगेंस्ट, ठीक है। तो बी जो वो डिक्रीटल अमाउंट देगा ए को, वो कैसे देगा, किस मैनर में देगा, इसको लेके है रूल वन। तो पहला क्या है कि वो जो डिक्रीटल अमाउंट है, ठीक है, उस डिक्रीटल अमाउंट को जजमेंट डेटर दैट मीन्स कि बी वो क्या करेगा, उसको डिपॉजिट कर देगा कोर्ट में और कोर्ट उस अमाउंट को टेंडर कर देगी बाद में डिक्री होल्डर को, ठीक है। पहला, दूसरा कि वो डायरेक्ट दे सकता है डिक्री होल्डर को, क्लियर। तीसरा कि उस मैनर में जो मैनर उचित होगा, ठीक है, सब्जेक्ट टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, ठीक है, उस मैनर में बी को पे करना है मनी, क्योंकि जो डिक्री पास हुआ था वो जो डिक्री पास हुआ था उसका संबंध था फॉर द पेमेंट ऑफ मनी से, क्लियर है। अब टू क्या है दोस्तों, ये देखिए टू कहता है कि नहीं, डिक्री होल्डर को जो डिक्रीटल अमाउंट है तो उसकी जो मनी है, सम ऑफ मनी है, वो पे हो सकता है कोर्ट के बाहर भी डायरेक्टली, ठीक है। यही है रूल टू जजमेंट डेटर के द्वारा। तो यहां पे जो मनी दिया जा रहा है, पे हो रहा है मनी, ठीक है, चाहे डिग्री होल्डर को, चाहे डिपॉजिट हो रहा है कोर्ट में, ठीक है, या फिर डायरेक्टली डिग्री होल्डर को आउट ऑफ कोर्ट दिया जा रहा है, तो कब, जब डिग्री एग्जीक्यूट हो रहा है तब, क्लियर है, क्योंकि ऑर्डर 21 का संबंध ही है एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री इन ऑर्डर से, क्लियर है। अब आइए रूल थ्री क्या कहता है दोस्तों। बहुत आसान है हर रूल को याद करना ऑर्डर 21 का। मैं तो कहता हूं कि हर ऑर्डर के रूल्स को बहुत ही आसान है याद करना। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी मेरा वीडियो देखें तो अपने पास बेयर एक्ट या तो टेक्स्ट बुक जरूर रखें, ठीक है, और ध्यान से मेरे लेक्चर को सुनते रहें। अब आते हैं रूल थ्री में। रूल थ्री क्या कहता है कि मान लीजिए डिग्री जो पास हुआ है, वो डिग्री पास हुआ था किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर, और यहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी है लैंड। अब डिग्री होल्डर उस डिग्री को एग्जीक्यूट करना चाहता है कैसे, बाय वे ऑफ अटैचमेंट, ठीक है, और जिस लैंड को अटैच किया जाना है वो लैंड सिचुएट है विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ मोर देन वन कोर्ट। दैट मींस कि एक से अधिक कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में ये लैंड पड़ता है। तो फिर अब सवाल ये उठता है कि अगर वो डिग्री एग्जीक्यूट हुआ अटैचमेंट के माध्यम से, तो फिर उसके संबंध में अटैचमेंट ऑर्डर कौन सी कोर्ट पास करेगी। रूल थ्री इसी के संबंध में है। तो कोई भी कोर्ट अटैचमेंट ऑर्डर पास कर सकती है डिग्री के एग्जीक्यूशन के संबंध में, ठीक है, जिस भी कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में इस लैंड का कोई भी हिस्सा आता है, तो क्लियर है। अब ये रूल फोर क्या कहता है, ट्रांसफर टू द कोर्ट ऑफ स्मॉल काउस। रूल फोर क्या ये समझे कि मान लीजिए कि डिग्री पास हुआ, ठीक है, यहां डिग्री पास हुआ कोर्ट ऑफ स्मॉल काउस के द्वारा, और वह कोर्ट ऑफ स्मॉल काउस जो है चाहती है कि वो डिक्री एग्जीक्यूट हो उस प्रेसिडेंसी प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ स्मॉल काउस के द्वारा जो सिचुएट है बॉम्बे मद्रास कलकत्ता में, ठीक है, पहला बात। दूसरा बात कि जिस सूट में वो डिक्री पास हुआ है कोर्ट ऑफ स्मॉल काउस के द्वारा, उस सूट का वैल्यूएशन 2000 से अधिक का नहीं है। तीसरा कि वह जो सूट है वो कॉग्निजेबल नहीं है अदर प्रेसिडेंशियल एंड प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ स्मॉल काउस के द्वारा, ठीक है, क्लियर है। या अदर का मतलब कि
कलकत्ता मद्रास बॉम्बे में जो कोर्ट ऑफ स्मॉल काउज या फिर जो प्रेसिडेंसी स्मॉल काउज कोर्ट है, उस कोर्ट को छोड़ के किसी अन्य कोर्ट ऑफ स्मॉल काउज और प्रेसिडेंशियल स्मॉल काउज कोर्ट के द्वारा वो सूट कॉग्निजेबल नहीं होना चाहिए। तो ऐसे हालात में अगर वन डिग्री उस कोर्ट ऑफ स्मॉल काउज को ट्रांसफर हो गया ना किसको, जो सिचुएट है बॉम्बे मद्रास कलकत्ता में, तो फिर एग्जीक्यूट कैसे होगा वो डिग्री, तो इसके संबंध में प्रावधान रूल 4, ठीक है। तो डिग्री होल्डर ऐसा कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, क्लियर। अब देखिए 5, 6, 7, 8, 9 इसको हम लोगों को साथ में पढ़ते हैं। देखिए अब यहां 5 क्या है कि 4 में जो ट्रांसफर हुआ डिग्री टू द कोर्ट ऑफ स्मॉल काउज फॉर एग्जीक्यूशन, तो यहां पे कैसे ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो यहां पे किस कोर्ट ऑफ स्मॉल काउज का बात कर रहा, समझ में आ रहा है, ठीक है, और कब होगा ये समझ में आ गया। तो यहां पे जो ट्रांसफर का मोड के बारे में बात आ जाता है रूल 5 में, ठीक है, कि ट्रांसफर होगा तो डायरेक्टली बाय द कोर्ट होगा और डायरेक्टली टू द कोर्ट होगा, जिस कोर्ट को ट्रांसफर, जिस कोर्ट को डिग्री एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, और ट्रांसफर किसको करना है, जो कोर्ट चाहती है कि वो डिग्री एग्जीक्यूट हो उस कोर्ट के द्वारा। तो यहां मोड ऑफ ट्रांसफर के बारे में है रूल 5 में, ठीक है। रूल 6 कहता है दोस्तों, यहां रूल 6 इंपॉर्टेंट होता है कि अगर मान लीजिए कोई कोर्ट डिग्री पास करी, अब वो कोर्ट चाहती है कि वो डिग्री जो है किसी अन्य कोर्ट के द्वारा एग्जीक्यूट हो, क्योंकि देखिए जब हम लोग सेक्शन 38 देखते हैं सीपीसी का, तो सेक्शन 38 क्या बताता है कि डिग्री किन किन कोर्टों के द्वारा एग्जीक्यूट हो सकता है। तो पहला, जिस कोर्ट ने डिग्री को पास किया उसके द्वारा, और दूसरा जिस कोर्ट को डिग्री ट्रांसफर हुआ है फॉर एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो रूल 6 कहता है कि अगर मान लीजिए जो कोर्ट डिग्री पास की है वो कोर्ट चाहती है कि नहीं उसका डिग्री किसी दूसरे कोर्ट के द्वारा एग्जीक्यूट हो, तो फिर जो कोर्ट पास डिग्री करी है वो क्या करेगी, वो डिग्री को ट्रांसफर कर देगी उस कोर्ट को जिस कोर्ट के द्वारा उसका एग्जीक्यूशन होना है। तो उसकी उसके अलावा उस कोर्ट को क्या क्या करना होगा जो कोर्ट डिग्री को ट्रांसफर कर रही है। तो पहला कि उसको ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन जो है उसका कॉपी फॉरवर्ड करना होगा कोर्ट को, ट्रांसफरी कोर्ट को पहला। दूसरा कि उसको इस संबंध में स्टेटमेंट देना होगा कि जो डिग्री है जिसको एग्जीक्यूट करना है वो अभी तक सेटिस्फाइड नहीं हुआ है, ठीक है, और डिग्री जिसको एग्जीक्यूट करना है उसका कॉपी भी मेड ओवर करना है ट्रांसफरी कोर्ट को, क्लियर है रूल 6। अब रूल 7 क्या कहता है दोस्तों, ये देखिए कि रूल 7 कहता है कि जिस कोर्ट को, जिस ट्रांसफेरी कोर्ट को डिग्री एग्जीक्यूशन करने के संबंध में डिग्री का कॉपी, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन का कॉपी, इस संबंध में स्टेटमेंट कि वो डिग्री सेटिस्फाइड नहीं हुआ है, इन सभी कॉपी को वो फाइल कर सकता है एविडेंस के तौर पे विदाउट प्रूफ, ठीक है। यही है रूल 7, क्लियर है। अब आते हैं रूल 8 क्या कहता है। रूल 8 कहता है कि जिस कोर्ट को डिग्री ट्रांसफर हुआ था एग्जीक्यूशन के लिए, वह कोर्ट उस डिग्री को एग्जीक्यूट कर सकती है, करेगी, इसी के संबंध में है रूल 8, क्लियर है। अब आते हैं रूल 9 क्या कहता है, कि रूल 9 कहता है कि अगर मान लीजिए जिस कोर्ट ने डिग्री पास किया वो कोर्ट चाहती है कि उसका डिग्री एग्जीक्यूट हो हाई कोर्ट के द्वारा, और वह और कॉपी ऑफ डिग्री और अदर डॉक्यूमेंट का कॉपी अगर वो ट्रांसफर कर देती है हाई कोर्ट को, तो फिर हाई कोर्ट रूल 9 के तहत उस डिग्री को एग्जीक्यूट कर सकता है। यही है रूल 9, ठीक है, हाई कोर्ट के द्वारा एग्जीक्यूट होता है डिग्री, क्लियर है। हम लोग यहां एक बार और नोट कर लीजिए कि डिग्री कैसे कैसे एग्जीक्यूट हो सकता है। तो अगेंस्ट पर्सन, अगेंस्ट प्रॉपर्टी, अगेंस्ट पर्सन कैसे होगा बाय अरेस्ट एंड डिटेंशन, और बाय अगेंस्ट प्रॉपर्टी कैसे होगा तो बाय वे ऑफ अटैचमेंट सीजर, ठीक है। अब आइए जो इंपॉर्टेंट रूल है रूल 10, वो क्या कहता है रूल 10 और 11 की, अब जो डिग्री एग्जीक्यूट होगा तो इसके लिए एक एप्लीकेशन देना आवश्यक हो जाता है, अप्लाई करना होता है डिग्री होल्डर को, ठीक है। तो यहां पे रूल 10 कहता है एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन, तो अब डिग्री होल्डर अप्लाई करेगा फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री तो किस कोर्ट में करेगा, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि उस कोर्ट में करेगा जिस कोर्ट के द्वारा डिग्री पास हुआ है, या फिर जिस कोर्ट के द्वारा डिग्री पास हुआ है उस कोर्ट ने अगर इस संबंध में कोई ऑफिसर अपॉइंट करा है तो उस ऑफिसर को अप्लाई करेगा डिग्री होल्डर फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, ठीक है। या फिर अगर डिग्री ट्रांसफर हो गया किसी तीसरे कोर्ट को, ठीक है, तो फिर उस थर्ड कोर्ट को अप्लाई करेगा या थर्ड कोर्ट में अप्लाई करेगा डिग्री होल्डर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री, क्लियर है। तो अब यहां से आप लोग आते हैं रूल 11। रूल 11 का सब रूल 1 कहता है ओरल एप्लीकेशन के संबंध में, और सब रूल 2 कहता है रिटन एप्लीकेशन। अब यहां जो डिग्री होल्डर अप्लाई करेगा फॉर एग्जीक्यूशन कैसे कैसे कर सकता है, तो रूल 11 के सब रूल 1 के अनुसार
ओरली अप्लाई कर सकता है और सब रूल टू के अनुसार बाय वे ऑफ राइटिंग भी कर सकता है। तो ओरली अप्लाई कब करेगा, जब डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी होगा तो ही करेगा, ठीक है अप्लाई। और यहां पे ओरली जब अप्लाई करेगा तो यहां पे डिक्री जो एग्जीक्यूट होगा कैसे, बाय वे ऑफ अरेस्ट ऑफ द जजमेंट डेटर, ठीक है। अगर मान लीजिए और अन्य डिग्री को लेके डिग्री होल्डर को अप्लाई करना है फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री तो कैसे करेगा, लिखित में अपने एप्लीकेशन फाइल करेगा। तो अगर रिटर्न एप्लीकेशन फाइल करता है डिग्री होल्डर तो उस रिटर्न एप्लीकेशन में किन किन बातों का जिक्र होना आवश्यक है ये जानिए। सबसे पहले जो सूट का नंबर है उसका जिक्र होगा, ठीक है। क्या डिग्री अभी तक सेटिस्फाइड हुआ है नहीं हुआ है इस संबंध में जिक्र होगा, ठीक है। किस व्यक्ति के अगेंस्ट डिग्री एग्जीक्यूट होना है उसका जिक्र होगा, उस व्यक्ति का नाम का जिक्र होगा, ठीक है। अमाउंट का जिक्र होगा, उसके साथ साथ उस अमाउंट पर जो इंटरेस्ट लगा है उसका जिक्र होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। पांचवा की एप्लीकेशन, ये जो एप्लीकेशन फाइल किया जा रहा है इसके पहले भी कोई प्रीवियस एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन को लेकर डिग्री का फाइल किया गया था या नहीं, ठीक है। ये स्टेटमेंट होगा उस रिटर्न एप्लीकेशन में, किस डेट को डिग्री पास हुआ है उसका जिक्र होगा। तो ये सभी कुछ पॉइंट है जिसका जिक्र जो होना आवश्यक है रिटर्न एप्लीकेशन पे, ठीक है। अगर रिक्रूटर अप्लाई करता है बाय वे ऑफ राइटिंग फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री तो इस रिटर्न एप्लीकेशन में इन सभी फैक्टर्स का, इस सभी स्टेटमेंट का जिक्र होना आवश्यक है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखिए रूल 11 क्या कहता है, रूल 11A माफ कीजिएगा, 11A क्या कहता है कि अगर मान लीजिए डिग्री होल्डर अप्लाई करता है फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री कैसे, बाय वे ऑफ अरेस्ट, तो यहां पे उस एप्लीकेशन पे किस ग्राउंड पे जजमेंट डेटर को अरेस्ट करना है उसका जिक्र होना या करना आवश्यक है। क्लियर है, यही है रूल 11A। क्लियर है। अब रूल 12 आइए, रूल 12 कहता है कि अगर मान लीजिए डिग्री पास हुआ है फॉर द पजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, अब डिग्री होल्डर उस डिग्री को एग्जीक्यूट करना चाहता है, ठीक है। तो एग्जीक्यूट कैसे होगा, बाय वे ऑफ अटैचमेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ रूल 12 में कहता है कि अगर मान लीजिए वह इमूवेबल प्रॉपर्टी, माफ कीजिएगा, वह मूवेबल प्रॉपर्टी अगर जजमेंट डेटर के पजेशन में नहीं है, ठीक है, जजमेंट डेटर के पजेशन में नहीं है, किसी तीसरे व्यक्ति के पजेशन में है वह मूवेबल प्रॉपर्टी, तो फिर उस एप्लीकेशन में जिस एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई कर रहा है डिग्री होल्डर उस एप्लीकेशन में इस बात का भी जिक्र करना आवश्यक हो जाएगा डिग्री होल्डर को कि आखिर मूवेबल प्रॉपर्टी जिसको लेके एग्जीक्यूट होना है डिग्री वह किसके पोजीशन में है। क्लियर है। 13 कहता है कि अगर मान लीजिए डिग्री होल्डर अप्लाई कर रहा है और अटैचमेंट, ठीक है, और अटैचमेंट होना किसका है, यहां पर अटैचमेंट कैसे, बाय वे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, ठीक है, अटैचमेंट होना है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो फिर उस एप्लीकेशन में किन किन बातों का जिक्र होगा, यही कहता है रूल 13। तो ऐसे एप्लीकेशन में पहला कि जिस प्रॉपर्टी को, जिस इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच किया जाना है, ठीक है, इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन के बारे में जिक्र होगा उस एप्लीकेशन पे, ठीक है। क्लियर है। और अब आते हैं रूल 14। रूल 14 क्या कहता है ये देखिए समझिए कि अगर मान लीजिए जो लैंड को अटैच करना है इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, ठीक है, जिस लैंड को अटैच करना है, दैट मींस जिस इमूवेबल प्रॉपर्टी को, या इमूवेबल प्रॉपर्टी स्पेसिफाइड है लैंड है और उस लैंड को अटैच करना है इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, अब अटैच होगा तो अटैच होगा। अब यहां ध्यान दीजिए रूल 14 कहता है कि अगर वो लैंड रजिस्टर है कलेक्टर के ऑफिस में, ठीक है, तो फिर उस कलेक्टर के ऑफिस से उस रजिस्टर्ड जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है जिसको हम लोग सर्टिफाइड एक्सट्रैक्ट भी कहते हैं, ठीक है, इन विद रिस्पेक्ट टू द रजिस्ट्रेशन सर्टिफाइड एक्सट्रैक्ट जो है उसको लेने का पावर किसको है, तो इस संबंध में कोर्ट निर्देश देती है तो कोर्ट को है। क्लियर है, यही है रूल 14। क्लियर। अब आइए 15 क्या कहता है रूल। अब 15 कहता है दोस्तों कि यहां जो अप्लाई होता है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, तो रूल 15 कहता है कि डिग्री अगर मान लीजिए पास हुआ एक से अधिक डिग्री होल्डर के फेवर में, डिग्री पास हुआ है एक से अधिक डिग्री होल्डर के फेवर में, तो फिर वो सभी डिग्री होल्डर, दैट मीन ज्वाइंट डिग्री होल्डर अप्लाई करेगा, ठीक है, फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, तो किस कंडीशन की शर्त के अनुसार करेगा उसका जिक्र है रूल 15 में। क्लियर। अब आइए जो आज का जो लास्ट रूल है रूल 16, वो क्या कहता है देखिए।
रूल 16 कहता है कि अगर मान लीजिए डिग्री ट्रांसफर हो गया, क्योंकि डिग्री ट्रांसफर हो किया जा सकता है, क्योंकि डिग्री माना जाता है मूवेबल प्रॉपर्टी है किसका, डिग्री होल्डर का, ठीक है। तो अगर मान लीजिए डिग्री ट्रांसफर हुआ किसी तीसरे व्यक्ति को, दैट मीन्स ट्रांसफेरी को, अब वो ट्रांसफेरी चाहता है डिग्री को एग्जीक्यूट करना, तो वो उसके लिए अप्लाई करेगा, तो किस प्रोविजन के अनुसार, ऑर्डर 21 का रूल 16 के अनुसार, सब्जेक्ट टू द कंडीशन जो दिया गया है रूल 16 में, ठीक है। अब जैसे आगे हम लोग अगर देख जाएंगे, क्योंकि आज का जो लेक्चर था पार्ट फर्स्ट था, पार्ट फर्स्ट हम लोग डिस्कस किए हैं रूल 1 से 16, और जो जो रूल बच चुका है जैसे 17 में क्या होता है कि अगर कोर्ट ने एप्लीकेशन को रिसीव किया, यहाँ एप्लीकेशन किस संबंध में है, फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, तो उसके बाद कोर्ट क्या करेगी, कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेगी, ये कहता 17। इसी तरीके से जो भी रूल्स बच गए हैं उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे ऑर्डर 21 का, और इस तरीके से हमको लगता है 10 दिन में, ठीक है, 10 लेक्चर में पूरा ऑर्डर 21 आपका क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों अब इस लेक्चर को कंक्लूड कर लेते हैं। जनरली हम लोग जान ही रहे कि ऑर्डर 21 का संबंध किससे है, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीन ऑर्डर से है, ठीक है। और आज इस ऑर्डर 21 के हम लोगों ने जो रूल देखे हैं वो है रूल 1, 2, रूल 16, ठीक है। जो भी रूल्स बच गए हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।